दोस्तों इस समय वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों को पता है उन पर जो है 57,000 करोड़ रुपए का जो है एजीआर यहाँ पर पेंडिंग है। और यहाँ पर आइडिया के द्वारा तो बोला भी गया था कि वो जो है इस सिचुएशन में अपनी जो है सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, उन्हें अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ सकती है, वोडाफोन आइडिया जो है बंद करना पड़ सकता है। लेकिन आज वोडाफोन आइडिया के द्वारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा गया है, तो आज उसी लेटर के बारे में हम बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया ने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है एजीआर के बारे में क्या डिमांड किया है। साथ में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी उन्होंने कुछ डिमांड किया है यहाँ पर फ्लोर प्राइजिंग को लेकर, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एयरटेल आइडिया वोडाफोन सहित जो और बाकी टेलीकॉम कंपनियां थी जो है इन सभी पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एजीआर ड्यूज था, और सबसे ज़्यादा जो ड्यूज पेंडिंग था वो वोडाफोन आइडिया का था। इन पर करीबन जो है 57,000 करोड़ रुपए का एजीआर पेंडिंग था। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया परेशान है, और उन्होंने जो अभी जो है यहाँ पर फरवरी के अंदर जो एजीआर पे किया है वो केवल 3,500 करोड़ रुपए पे किया है, सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए पे किया है। और अभी भी जो है यहाँ पर करीबन जो है उन पर 57,000 करोड़ रुपए का जो है एजीआर पेंडिंग है बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया ने अब एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, नीति आयोग को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी को एक लेटर लिखा है। और उस लेटर में बताया है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो टैक्स का कैलकुलेशन किया है, यानी कि जो एजीआर का कैलकुलेशन किया है, वो गलत यहाँ पर किया है। उनको 57,000 करोड़ रुपए पे नहीं करने, उनको केवल जो है 23,000 करोड़ रुपए पे करने। जी हाँ दोस्तों, केवल 23,000 करोड़ रुपए पे करने। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट इसे जो है यहाँ पर अप्रूव करता है नहीं करता है। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने डिमांड किया है कि उन्होंने अभी जो यहाँ पर जीएसटी पे किया है वो करीबन जो है 8,000 करोड़ रुपए का जीएसटी उन्होंने पे किया है, तो ये जो जीएसटी है वो उन्हें रिफंड किया जाए और इसे एडजस्ट किया जाए एजीआर में से, यानी कि जो उन पर एजीआर पेंडिंग है उसमें से जो है करीबन 8,000 करोड़ रुपए जो है माइनस कर दिए जाए, इन्हें जो है रिफंड कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सर्विस यूजेज चार्जेज है वो यहाँ पर कम किया जाए, लाइसेंस फी और जो स्पेक्ट्रम फी है वो यहाँ पर कम की जाए। साथ में उन्होंने डिमांड किया है कि जो इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर की सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है, तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंडिया में एक फ्लोर प्राइस सेट किया जाए, यानी कि कोई भी ऑपरेटर आप लोगों को जो है उस कीमत से नीचे कोई प्लान उपलब्ध नहीं करा पाएगा। मंथली कोई ऐसा प्राइस सेट कर दिया जाए 400 रुपये का या 500 रुपये का, कि उससे नीचे कोई ऑपरेटर अपनी सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड ना करे। तो अगर ये मांग भी यहाँ पर मान ली जाती है तो यहाँ पर जो डेटा प्राइस है, कॉलिंग प्राइस है, और करीबन जो है यहाँ पर महंगे हो सकते हैं। वन मंथ का क्लब प्लान जो है वो करीबन 500-600 रुपए तक जा सकता है अगर इस मांग को माना जाता है। तो सेकंड जो यहाँ पर बात करें कि उन्होंने जो है यहाँ पर एजीआर जो पे करना है वो 23,000 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने डिमांड की है कि जो बकाया राशि है, यानी कि वो 8,000 करोड़ रुपए तो जो है यहाँ पर रिफंड मांग रहे हैं, उसके बाद में जो बैलेंस बचेगा भी देखते हैं कि 57,000 करोड़ रुपए वो पे करते हैं या 23,000 जो है यहाँ पर गवर्नमेंट उनसे मांगती है, 23,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उनसे मांगती है। तो ये तो जो है अभी गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी उनका जो बचा हुआ अमाउंट है उसको पे करने के लिए उन्हें जो है 15 साल दिए जाएँ। जी हाँ दोस्तों, उन्हें 15 साल दिए जाएँ, 15 साल में वो धीरे धीरे अपना अमाउंट यहाँ पर पे कर देंगे। वैसे यार मुझे यहाँ पर भी ये भी नहीं लग रहा कि जो है 15 साल तक वोडाफोन आइडिया यहाँ पर इंडिया में टिक पाएगी, क्योंकि इस हिसाब से तो लग रहा है करीबन 6-7 महीने और यहाँ पर बिल्कुल जो है बड़ी मुश्किल से सर्विस आपको वोडाफोन आइडिया जो है दे पाएगी। तो 15 साल वोडाफोन आइडिया ने गवर्नमेंट से मांगे हैं ताकि वो एजीआर यहाँ पर पे कर पाएँ। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर लेटर लिखा गया है वोडाफोन आइडिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन्हें अप्रूव करता है नहीं करता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नीति आयोग को इन सभी मांगों को पूरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।